कर लेंगे, बस एक बार बाहर डाल सकते पार्टी का मैं संभालूंगा। बहुत याद होते नहीं वापस। वैसे ऐसा रसूल तो अपना भी कुछ काम नहीं, ऐसा ना हो कि वहाँ जाए भी और कुछ काम भी ना हो, फिर तो वही बात हो जाएगी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। रामलीन भाई आप क्यों फिक्र करते हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा, वही सबका पालनहार है। बस आप एक दफा दिल पक्का करके लखनऊ चलने का इरादा कर लो। रहीम खान पहले स्कीम तो बना ले। स्कीम वही बनाई है, वही पुरानी वाली। तुम किसी हिंदू के पास जाना और कहना कि मुसलमान मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, किसी तरह चार होता कर मना लेना आया हूँ, और फिर यकीन दिला देना। और तुम किसी मुसलमान नवाब के पास जाके बोलना मेरा सारा खानदान हिंदुओं ने खत्म कर दिया, आपके पास पनाह लेने आया हूँ। बस अपना काम हो जाए, बस तो हो जाते हैं आज शाम की गाड़ी से लखनऊ वाला काम करते हैं। बिल्कुल हो सके तो रुस्तम की गर्म पानी से सिकाई करा दीजिए,
अब क्या पता जिस्म में दर्द हो रहा हो। आपका वक्त है नवाब साहब, हंस लीजिए हंस लीजिए। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम भाई। राय साहब ये भी तो अपना अपना वक्त है, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी नहीं होगी, वरना आपका रुस्तम तो अच्छों को टिकने नहीं देता। आप अपना दिल छोटा ना करें, अभी तो एक पाली और बाकी है। मिश्रा बाबू बात ये नहीं, मुझे पाली हारने का जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। मेरे दिल पर तो अब बनिया के कहते चोट लगा गए, जख्मी हो गया हूँ। अरे वो तो कहिए कि खैरियत हुई, वरना आज तो मैंने उन्हें मजा चखा दिया होगा। भाई ये भी तो अपना अपना वक्त है भाई। जब पिछली मरतबा आपके रुस्तम ने तब्बल मियां के शहर जोर को जमीन चटाई थी भाई, तब आप भी तो अपनी मूंछों को ताव देकर खाते थे। बस इसी बात का अफसोस हो रहा है मिश्रा बाबू, क्या वो मूंछ नीचे हो गई। मैं इस बेइज्जती को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ राय साहब, फिक्र अफसोस की कोई जरूरत नहीं। अरे अगली पाली में मालूम ही हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सरकार आपसे मिलने आए हैं। अंदर भेज दीजिए। बहुत अच्छा सरकार। भाई मालूम होता है पिछली मर्तबा का बदला लेने के लिए इस मर्तबा नवाब साहब ने रुस्तम की मिजाज कुर्सी के लिए किसी को भेजा है। अभी जाकर देखता हूँ, आज तो मैं कहीं मिजाज कुर्सी खुशी न कर दूँ। अरे मुन्ना मियाँ छोड़िए भी। राम राम राय साहब। नमस्ते, आपका परिचय। राम जी नाम है हुजूर। एक मुसीबत बताऊं, मुसलमानों के हाथों सब कुछ लुटवा कर आया हूँ। क्या हो गया ऐसा, भला आखिर क्यों लूट लिया आपको? फसाद हुआ हुजूर, बीवी बच्चों सबको मार दिया। भाई आखिर किसने मार दिया? मुसलमानों ने सरकार। मुसलमानों ने? अब आप बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मियाँ। भाई मुसलमानों का कोई नाम भी तो होगा, अकबर मियाँ, छमन मियाँ, शबन मियाँ। नहीं हुजूर, तमाम मुसलमानों ने। बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ आपके साथ जो भी हुआ। ये बतलाइए क्या आखिर आप हमसे क्या चाह रहे हैं? खाना वाना खाया आपने? संक्रांत संक्राम, अरे इन महाशय को ले जाके जरा रसोई में खाना वाना खिला दीजिए। अब तो अन पानी को उसी दिन हाथ लगाऊंगा जिस दिन अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला ले लूं। तो ठीक है, आप जल्दी से जाइए और फारिग होके आ जाइए, तब तक संक्राम भी रसोई तैयार रखेगा। हाँ जरा जल्दी आइएगा, खाना ठंडा ना हो जाए। मैं अकेले कैसे बदला ले लूं? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? भला हम कुछ समझे नहीं मियाँ, आखिर हम आपकी किस तरह मदद करें? हमारे इसमें ना समझने वाली क्या बात है राय साहब। यही मौका है अकबर मियां से रुस्तम की पाली हार का बदला लेने का। आखिर है तो वो भी एक मुसलमान, कहना क्या चाह रहे हैं आप कि हम उन्हें दोबारा पाली का न्योता भेज दें? रुस्तम की हालत तो आप देख ही रहे, ऐसे में दोबारा लड़ेगा? हुजूर हुजूर बदला पाली में बटेरों से नहीं चक्कों से लिया जाएगा। हुजूर ठीक ही तो कह रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान फसाद कराकर अकबर मियां से बदला ले लीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं मुन्ना मियां कि हम नवाब साहब की शान में गुस्ताखी कर दें? हुजूर गुस्ताखी नहीं, कत्ल कर दीजिए। कट कट, अमा ना मियां ना, भाई मैं इसकी राय नहीं दूंगा। ये बात जरा नाजायज हो जाएगी राय साहब। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, अजीब फसाद में सब जायज होता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब मारे जाएंगे। हम आप फर्ज कीजिए जनाब, हम कत्ल के लिए तैयार हो भी जाए फसाद होगा कैसे? आप कत्ल की वारदात को अंजाम दीजिए, फसाद मैं कर दूंगा। अब अगर हम कत्ल करने के लिए तैयार हो भी जाएंगे
पर हम कत्ल करेंगे किस चीज से बला? आखिर हमारे पास तो कोई मुनासिब हथियार भी नहीं है। नहीं नहीं, इसे अपने पास ही रखो। किस कदर घिनौनी चीज है, नवाब साहब का कत्ल करने के लिए हम ऐसी बदरौनक और बदशक्ल चीज का इस्तेमाल करेंगे? मिश्रा बाबू आप कहिए, मैं गलत कह रहा हूँ? अरे इस कमबख्त का वहां तक ले जाना भी अजाबे जान हो जाएगा। रास्ते चलने वाले लोग थप्पियां कसेंगे। अरे लोगों की परवाह की तो हो रहा काम, लाइए मुझे दीजिए। अरे चीज तो बड़ी निहायत ही बदशक्ल व बदनुमा मालूम होती है, और अगर इसे किसी खूबसूरत कपड़े में लपेट कर ले जाए जाए तो शायद इतनी बुरी मालूम ना हो, और बार वक्त के इस्तेमाल ये नवाब साहब की आंखों से ही बची रहेगी। क्या और फर्ज कीजिए दौरान वारदात नवाब साहब ने हमें देख लिया तो भला क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, और फिर हमारी क्या इज्जत रहेगी उनके दिल में? फिर आप ही कोई तरीका सोचिए। अब जब कत्ल की वारदात में अंजाम देनी है तो क्यों ना जरा खूबसूरती से किया जाए। मेरे ख्याल में ना बहू रानी के कवाम खाने वाला चौकू मुनासिब रहेगा। उसका दस्ता अति धांत का बना है, अभी मियां निजाम के घर से हफ्ता भर पहले ही बनवा के लाए। क्या मियां निजाम ने खुद अपने हाथों से बनाया है? जी भाई बिल्कुल एकदम लाजवाब चीज होगी। अब भाई पूरे लखनऊ भर में एक ही तो कारीगर है। क्या आपको मैंने नहीं दिखलाया था? नहीं रुकिए अभी मंगवाते। संतराम संतराम सरकार, जरा बहू रानी से तवाम खाने वाला चाकू मंगा लीजिए। बहुत अच्छा सरकार, अभी लाई। नहीं भाई साहब चाकू मंगवाए रहे। कौन सा चाकू? अरे भाई आपका कवाम खाए वाला जो नबी खाली में बन के आवा है। पर चाकू का वो क्या करेंगे? अब क्या बताएं हजूर, तो भाई साहब कवाम साहब का कत्ल करे जा रहे हैं। चलना चाहिए नवाब साहब के यहाँ। ठीक है चला जाए। अरे मुन्ना मियाँ एक काम करिए, आप घर पे ही रुकिए तो बेहतर होगा। अरे फसाद का मामला है और घर पे किसी आदमी का रुकना जरूरी है। बहू रानी भी घर पे तन्हा होंगी, एक काम करिए आप घर पे ही रहिए बेहतर होगा। ठीक है जैसा आप बेहतर। नवाब साहब आ गए ना आप मेरी चाल के नाम में फिर से। बहुत देर से यानी कि अल्लाह कसम मैं इस फिराक में था कि कैसे इस जालिम को यहाँ से तफान करूं, और तू अपने हुजूर को ये घोड़े की शह। भाई प्यारे मियां ये अपना भी पुराना रियाज है, अल्लाह खादिम ने आपकी इस चाल को पहले ही भांप लिया था। ये देखिए मेरा बादशाह एक घर आ गए
और बचा ली अगली शहर। अब देखिए फंस गया आपका घोड़ा। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, घोड़े के निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। या सुभान अल्लाह, क्या चाल यानी कि मेरे जहन में आई है। ये लीजिए मेरे पैदल का जोर, ये लीजिए, अब आप अपने रुख की फिक्र कीजिए। भाई सोच समझ के चलिएगा, जनाब को बाद में पछताना ना पड़े। हुजूर, वो बेगम साहिबा कह देना अभी हम शतरंज खेल रहे हैं। वो तो बेगम साहिबा का हुक्म था कि मैं मालूम कर गया हूँ कि आप शतरंज खेलने से साथ रहे हैं। भाई ये खूब भाई, आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर कौन नाचीज मौजूद है। चलिए चलिए चलिए, अपना काम कीजिए, चलिए। अरे सुनिए तो सही, यहाँ तो आइए, यहाँ आइए। कहीं कहीं वाकई जाकर आप बेगम साहिबा से यह ना कह दीजिएगा कि नाचीज हुजूर के साथ शतरंज खेल रहा है, ठीक है ना? जाइए जाइए, किसी और का नाम लीजिएगा। माफी चाहते हो, अर्ज है कि हुजूर कि यानी कि अल्लाह कसम हमें आपकी बेगम साहिबा से बहुत ज्यादा खौफ मालूम होता है। दरअसल अपनी इज्जत से डरता हूँ। चलिए अब आप मुझे इजाजत दे तो बेहतर होगा। भाई प्यारे मियां जी, आप तो खामा खा उनसे खायब रहते हैं, अलावा वो बेचारी तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, शब्बन मियां की बेगम भी तो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और शब्बन मियां भी हमेशा यही कहा करते थे भाई आप खामा खा अल्लाह हमारी बेगम से डरते हैं। लेकिन हुजूर, शाह मीरा साहब वाले दरगाह वाले वाक्य ने हमारी आंखें खोल दी। अब आपको तो पता ही होगा। कौन सा वाक्य? क्या हमें कुछ नहीं बताया? क्या वाकई आपको नहीं मालूम कि हमने शब्बन मियां की हवेली पर आना जाना क्यों बंद कर दिया? आ खुदा, हमें कानो कान खबर नहीं है, जरा हमें भी बतलाइए। अब क्या ही बदलाव हुजूर, दरअसल एक रोज यानी कि पिछले नौचंदी की बात है, शाह मीरा साहब वाली दरगाह पर हम अपनी हाजिरी देने पहुंचे। एक खिलकत वहां मौजूद थी और एक तरफ एक बीवी अपना झोला फैला खुदा पाक से दुआ मांग रही थी। अब हमारा उधर से गुजर हुआ तो हमारे कानों में जो आवाज पड़ी, बस हम तो वही ठिठुक गए। वो बीवी खुदा पाक से दुआ मांग रही थी। वो कह रही थी कि या अल्लाह पाक, इस भांड प्यारे मियां की सोबत से मेरे शोहर को महफूज रख। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, अपने शान में ऐसे लफ्ज सुनकर तो हमें बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। हम तबे पांव वहां से बाहर निकला, बाहर निकलकर हमने बग्घी वाले से थोड़ी बहुत बात पूछ की तो पता चला कि सारी की सारी सवारियां जो है वो छप्पन मियां के यहाँ की मौजूद थी। हुजूर यानी कि अल्लाह कसम, हम जब ही समझ गए कि उस बीबी की सारी दुआएं वहीं के वहीं कबूल हो गई। भाई प्यारे मियां, वो दिन और आज का दिन हमने शब्बन मियां की हवेली पर कदम नहीं रखा। ये तो बहुत ज्यादती है बाबी साहिबा की, जो आपको भांड कहा। यानी कि अल्लाह कसम हुजूर, ये तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो हमारे खिलाफ न जाने और कैसे नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम आपको बता नहीं सकते। अब हमें तो डर है कि आपका साथ भी कहीं हमें छोड़ना ना पड़ जाए। प्यारे मियां, हमारी बेगम के मिजाज में, शब्बन मियां की बेगम के मिजाज में बहुत फर्क है। आप कतई चिंता ना करें, आइए ये बाजी पूरी की लीजिए। नहीं नहीं हुजूर, यानी कि अल्लाह कसम, अब इस शतरंज के खेल में हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। बस बहुत हो गया, हम अपनी इज्जत से डरते हैं। ये लीजिए हुजूर, वो जी का जज्बा फिर से आ रहा। हम समझ गए, आज हमारी शामत ही हमें यहाँ पर लेकर आई है। अब आप हमें उससे लीजिए, वरना अल्लाह कसम। अरे मियां, अरे प्यारे मियां, नहीं रहने दो आप अगीरा, ये हुक्का और बिसात भी अंदर ले जाओ। नवाब कपूर साहब। कौन राय साहब? सब खैरियत तो है जनाब? जी जनाब, सब खैरियत है, बस आप जरा बाहर तशरीफ लाइए। आदाब अर्ज है कि बला, अंदर तशरीफ तो लाइए। नहीं नवाब साहब, आज जरा किसी दूसरे इरादे से आए हैं, कृपया आप बाहर तशरीफ लाइए। अरे राय साहब, जिस भी इरादे से आए हैं आप अंदर तशरीफ तो लाइए, आइए। पहले आदाब अर्ज है। इस बेवक्त हाजिरी के लिए माफी चाहता हूँ नवाब साहब, बस आपको जरा सी तकलीफ देनी थी। जय नसीब सराफों पर, फरमाइए। मैं मुंतजर हूँ, आपकी तबीयत कुछ नासाज लगती है। मिश्रा बाबू, लगता है राय साहब को रुस्तम की शिकस्त गहरा असर हुआ है। रुस्तम की शिकस्त नहीं, हिंदुओं की मौत का कहिए जनाब। खुदा ना खास्ता, कहाँ मर गए हिंदू साहिबान?
ये जो महाशय जी हमारे साथ आए हैं ना, इनके गांव में आपकी तारीफ, आप मुसीबत ज्यादा है। आप ही ने हमें बताया कि आपके यहाँ तमाम हिंदू हजरात मारे गए, अब हम इनका बदला लेने के लिए निकले हैं। वल्लाह वल्लाह, ये तो बड़ा नेक ख्याल है राय साहब, बदला लेने इनके गांव इस वक्त जा रहे हैं। अगर सही समझे तो मैं भी साथ चलता हूँ, जुम्मन मियां को भी ले लेता हूँ। नहीं नवाब साहब, अब क्या बताएं, वो दरअसल बात ये थी कि अब मिश्रा बाबू की तस्वीर देखिए राय साहब, ये बात ठीक नहीं है, आप तो अपने आप को अलग किए जा रहे हैं और हमें फंसाए जा रहे हैं। माना कि ये प्रोग्राम हम तीनों का मुहूर्त हुआ था। भाई नवाब साहब, बात दरअसल ये है, लगता है आप तीनों लंबी मुसाफत के लिए बाहर निकले हैं और हमें भी साथ ले आना चाहते हैं, इसीलिए कहने में पशु पेश कर रहे हैं, चिबला हम तैयार हैं। हाँ तो फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? बात दरअसल ये है नवाब साहब कि हम लोग हिंदुओं की मौत का बदला लेने के इरादे से निकले थे, और फिर हम लोगों ने तय किया कि जब मुसलमानों को मार नहीं है तो क्यों ना शुरुआत कब्बन मियां से की जाए। ज़हन नसीब, ज़हन नसीब, ज़हन नसीब। आदाब मजा लाता हूँ राय साहब, लेकिन ये कत्ल वत्ल जरा गैर कानूनी चीज हो जाएगी, उसकी आप कतई फिक्र ना करें नवाब साहब। वो जो महाशय जी हमारे साथ आए थे ना, उनका कहना है कि वो फसाद करा देंगे, पर आप तो जानते हैं फसाद में सब जायज होता है। अब राय साहब, जब आप तय कर ही चुके हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, और वो मिश्रा सच है, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। भाई कोई हथियार हथियार भी लाए हैं या यूं ही बातों से जान लीजिएगा? जी हाँ बिल्कुल, हथियार लाए, हथियार था तभी तो हमने नवाब साहब के कत्ल करने की जरूरत की है। सुभान अल्लाह, आप रुके अभी दिखलाते। मिश्रा बाबू, मालूम पड़ता है वो चक्की हम घर ही भूला है। अब क्या होगा, मजबूरी है, आइए कत्ल को कल पे डाल देते हैं और शतरंज की बाजी पूरी करते हैं। आप पे तो वाकई दो पैदल चली है। देखिए नवाब साहब, ये सही नहीं है, अब जब कत्ल करने की वारदात हमें अंजाम देनी है तो क्यों ना अभी निपटा दिया जाए। आप एक काम करिए, आप फकीरा को आवाज दीजिए, वो ले आएगा लपक के, बाहर के कमरे में ही रखा है मसहरी पे। भाई नवाब साहब, क्या गजब की चीज है भाई, हाथी दांत के दस्ते पे वो काम किया गया है कि बस देखा कीजिएगा। माशाल्लाह भाई, मियां निजाम ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वाकई मिश्रा जी की फकीरा। राय साहब, तब तक शबन मियां से मिला है, अब आखिरी वक्त में दोस्तों से तो रुख्सत हो ही लिया जाए। देखिए नवाब साहब, हमें चलने में कोई एतराज नहीं है, पर एक काम कीजिएगा, आप शबन मियां से मिलाइए, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। अब भला उन्हें पता चला कि हम आपके कत्ल के इरादे से आए, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अच्छा तो आप बाहर ही रहिएगा, हम उनसे मुलाकात कराएंगे। हुजूर ने हमें याद फरमाया। वकीला, जाओ राय साहब के घर जाके चाकू ले आओ, वही मसहरी पे रखा होगा, और हाँ उसमें संस्कृत के 3 श्लोक निकल करे। तो चलिए राय साहब, आइए चला जाए नवाब साहब। अरे फकीरा, हम लोग शब्बन मियां के घर जा रहे हैं, तो चाकू वहीं ला के दे देना। जी हुजूर। जी चलिए। यहाँ के लोग तो बिल्कुल मेहरियान हैं, लड़ना तो जानते ही नहीं, मतलब मामला आगे बढ़ा ही नहीं। बढ़ा तो जब राय साहब के घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद हथियार की खोज शुरू हुई। एक तो वो फसाद के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, हथियार की खोज के बाद घर से एक 1.5 इंच की चकुइया मिली। उस 1.5 इंच की चकुइया को देख के बड़े खुश होके कहते, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। लेके हम चुपचाप नवाब साहब के घर पहुंचे। नवाब साहब, भैया नवाब साहब तो उनसे भी बड़े ढीले इंसान निकले, उन्हें देखकर झुकझुक कर सलाम करने लगे, आधा बरसे आधा बरसे। ऐसे में फसाद कैसे होगी? देखो मुझे तो कुछ होता हुआ तो दिखता नहीं, मैं तो इसीलिए वहां से निकल गया। खैर छोड़ो, तुम बताओ नवाब शब्बन मियां के घर गए कि नहीं? अरे और वो अमीनाबाद वाली स्कीम थी ना, क्या हुआ उसका? देखो भाई, अभी नवाब साहब के हाथ लगाया नहीं,
और अमीराबाद वाली स्कीम का बड़ी हुआ जो तुम्हारे साथ राय साहब के यहाँ हुआ है। मैंने दो चार बार दोस्तों का इकट्ठा किया और अमीनाबाद में हिंदू खरवाले की दुकान खोज गया, मोल तोड़ को लेकर झगड़ा शुरू किया, दो चार गालियां भी दी और वो आदमी तो बिल्कुल खामोशी रहा, कुछ बोला ही नहीं। कुछ देर बाद सोचने के बाद बोला कि हुजूर अगर कीमत आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो आगे देख लीजिए, खुद करीब से क्यों झगड़ा करते हो। जब बात आगे नहीं बढ़ी तो लपक के मैंने सुखी बना दिया कि मुसलमान सबसे समझते ही करता है। आसपास के दो चार मुसलमान भी इकट्ठा हो गए और वो तो जैसे पहले से ये तय करके बैठे थे कि मेरी एक न सुनेंगे, लगे मुझे ऐलान तान कर रहे। इसी तरह जान बचा कर भागा हूँ, अगर नहीं भागता रहता तो जान मुसीबत में पड़ जाती। यहाँ के लोगों में फसाद कराना बहुत मुश्किल काम मालूम होता है रामदीन भाई। तो भाई मेरा भी यही विचार है, यहाँ आते समय रास्ते में एक व्यक्ति वाला मिला, मैंने उससे पूछा भैया जॉब तक का कितना लोगे, तो कहता चार आने। मैंने बोला भैया तो जॉब तक का दो आने लो, थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर चुप होके कहता आइए जनाब आपको मुफ्त में छोड़ दूं। शकल वो चार साल से बिल्कुल मुसलमान मालूम होता था, तो मैंने भी अपनी आवाज खूब ऊंची करी और कहा हिंदू समझ के मुझसे मस्ती करता है। तो क्या वो मेरी आवाज सुन के आस पास के दो तीन लेके वाले वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन मेरी बातों का तो जैसे उसमें कोई असर ही नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने यक्के से नीचे उतरा, मुस्कुराता हुआ सड़क के किनारे जाके खड़ा हो गया, गनीयत को कान में लपेट कर बैठा और पेशाब करने लगा। दुनिया मुझे तो यहाँ पे लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम का फर्क भी समझ नहीं आता है। खैर छोड़ो, सब्र से काम लो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। वैसे मेरे दिमाग में एक और बेहतरीन स्कीम है, अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हो सकता तो क्यों ना शिया सुन्नी फसाद करा दे। वही शिया सुन्नी फसाद क्या होता है? हमारा फसाद होता है चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या शिया सुन्नी। तुम उससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम नवाब शब्बन मियां के घर जाओ, क्या पता वहाँ पे कुछ काम बन जाए। ठीक है, नवाब साहब यहाँ जाता हूँ। और अरे रामदीन साहब, अरे आप कहाँ चले गए थे जनाब, हम आपको इतनी देर से तलाश किए जा रहे हैं। वो दरअसल नवाब साहब आपके बीवी बच्चों का कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और नवाब साहब चाहते कि इससे पहले हमने कोई तकलीफ दे वो जरा अपने दोस्तों से रुखसत हो ले, इसीलिए हम शब्बन मियां के यहाँ जा रहे हैं। हुजूर, जब से बीवी बच्चों की मौत हुई है मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। सब्र कीजिए सब्र, शायद खुदा को यही मंजूर था और आपके इस बदले के लिए तो हम नवाब कब्बन मियां अपना खून बहाएंगे। खुदा राय साहब को हिम्मत अता फरमाए, बस फकीरा चाबू लाता ही होगा, फिर हम इस कत्ल को अंजाम देते हैं। ये लीजिए चाकू। शुक्रिया शुक्रिया, ये देखिए नवाब साहब, मुलाहिजा कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे मंजूर, नहायत ही खूबसूरत चीज है राय साहब। बस अफसोस इस बात का है कि हमारा खून इसे आलूद कर देगा, और उसके इस्तेमाल के लिए भी कोई परी कहकर होना चाहिए था। भाई राय साहब, नवाब साहब जो कह रहे हैं भाई आपकी कुछ समझ में आ रहा है ना, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? वो दरअसल बात ये है मिश्रा बाबू, नवाब साहब बहुत जख्म खा चुके परी पैकरों के। राय साहब, इस तरह तो जान देने में हमें कोई उज्र ना होगा। बोया किया वह देखे नवाब साहब, भाई आखिर दिल की बात जबा पे आई गई आपके। मिश्रा जी, ये ख्वाहिश थी हमने बयां कर दी, और राय साहब भी किसी परी पैकर से कम तो नहीं। कह लीजिए नवाब साहब, कह लीजिए, हम तो आपके गुनाहगार ठहरे, आपका वक्त है कह लीजिए। तो आइए शब्बन मियां के घर की ओर चला जाए।
आइए जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। आइए पहले आप। जी नहीं जनाब, पहले आप। नहीं राय साहब, पहले आप। अरे नाम हूँ कि नवाब साहब, पहले आप तशरीफ लाइए। हरगिज़ नहीं राय साहब, पहले आप। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अरे हजरत, आजकल जमाना बहुत खराब, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मेरे करीबी दोस्त कब्बन साहब, बड़े नेक सीरत वफादार और हमदर्द तबीयत इंसान है, जरूर आपकी मदद फरमाएंगे। भाई शब्बन मियां, हाजिर हो सकता हूँ। आइए आइए नवाब कब्बन साहब। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, पर ये बेवक्त आमद कैसे? भाई शहादत के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, अब आखिरी वक्त में दोस्तों से तो रुख्सत हो ही आ जाए। ये जनाब कौन है? हैरत तो है हुजूर, आप खुदा ना खास्ता इतने परेशान क्यों? आइए तशरीफ रखिए। ये रहीम खान अभी अभी लखनऊ आए, बड़ी मुसीबत ज़दा है। बेचारों का सारा खानदान हिंदू साहिबान में गाजर मूली की तरह काटा। राजीव, बड़े दुख की बात है। वैसे एक ऐसे ही मुसीबत ज़दा राय साहब के घर आए थे, कहते थे तमाम मुसलमानों ने उनके हिंदू खानदान को खत्म कर दिया, और राय साहब तो बहुत नेक दिल इंसान निकले, चल पड़े हैं उनका बदला लेने। जानते हैं सबसे पहले हमारा कत्ल करना चाहते हैं। कत्ल करना चाहते हैं राय साहब का दिमाग तो बोला, हम ये सब कुछ कत्ल करेंगे। अजी तो क्या झूठ मूठ, और नवाब साहब आप कुछ नहीं कहेंगे? भाई शबन मियां, दुनिया में मुरव्वत भी तो कोई चीज है। साथ में दोस्त के मुरव्वत नहीं देखी जाती। मियां जी, बिल्कुल सही अर्ज कर रहा हूँ, और राय साहब कह रहे हिंदू, तो क्यों ना आप उनसे अपने मुसलमान भाइयों की मौत का बदला लीजिएगा। बदला? लेकिन किस तरह? आप उनका मुकाबला कीजिए। ये हमारे पास तो कोई मुनासिब हथियार भी नहीं है। शबन मियां, आप ही कोई सुझाव दीजिए। हथियार तो मेरे पास भी कोई मौजूद नहीं होगा। कुछ दिन हुए बेगम दशहरी आम खाने के लिए चाकू बनवाने को कह रही थी, मालूम करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम बेगम, भाई सारा दशहरियां खाने के लिए चाकू बनवा लिया तो भेज दीजिए। गुड। कबीर यानी राय साहब से मुकाबला करने हमें कबीर लेके जाएंगे? सपन मियां, भाभी साहिबा से ऐसी बदमजाकी की उम्मीद नहीं थी। नवाब साहब, आप ही बताइए आपको किस किस्म का हथियार चाहिए? अजी एक तरफ राय साहब है जो हमारे कत्ल के लिए मियां निजाम के हाथ का बना हुआ चाकू ला रहे हैं, और हम उनकी शान में गुस्ताखी एक कबीर से करेंगे, ये कहाँ तक मुनासिब है? नवाब साहब, इस वक्त किया क्या जाए? ठीक है शबन मियां, कुछ कीजिए या ना कीजिए, कम से कम हमारी इज्जत और राय साहब की वकार का ख्याल कीजिए। मुनासिब समझे तो अपने सोने की खलाल भेजूं। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, तबीयत खुश कर दी भाभी आपने, बस जल्दी भेज दीजिए। शबन मियां, वो राय साहब बाहर खड़े हैं, जरा उन्हें इत्तला कराते हैं। वो बाहर खड़े, आप उनको अंदर क्यों नहीं लाए? अजी वो कहने लगे ना कि हम नवाब शबन मियां का कत्ल करने जा रहे हैं, तो शबन मियां को क्या मुंह दिखाएंगे? खूबसूरत चीज है, भाभी आदाब
आता हूँ। दिल खुश कर दिया आपने, आइए तो उनसे। कुछ मुनासिब समझ नहीं आ रहा, राय साहब को अंदर ही बुला लेते हैं। राय साहब आप अंदर तशरीफ ले आइए। माफ कीजिएगा, अभी अभी नवाब साहब ने इत्तला की है कि आप बाहर खड़े हैं, आ जाइए। आरावर से शपनिया, आरावर से, आरावर से। अरे मिश्रा बाबू भी साथ आए। मिश्रा बाबू से। और जनाब ये तीसरे साहब कौन? भाई एक मुसीबत ज़दा है, अपने गांव में मुस्लिम हजरात के हाथों सब कुछ लुटवा करके आ रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। और ये माशे कौन है? पहले कभी देखा नहीं। ये भी बड़ी मुसीबत सदा बेचारों का सारा खानदान हिंदू साहिबान ने खत्म कर दिया। राय साहब, जिस तरह आपने तय किया है कि आप इन महाशय का बदला लेंगे, वैसे हमने भी तय किया है कि हम रहीमुद्दीन खान साहब का बदला लेंगे और हमारा मुकाबला आपसे होगा। ये देखिए मेरी खलाल, ये आपके चाकू की टक्कर की है नहीं? माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, नहायत ही सुबह चीज है नवाब साहब। अल्लाह बिल्कुल कटार मालूम होती है, इससे मुकाबला करने में तो मजा ही आएगा। मिश्रा बाबू मुलाहिजा कीजिए। अब रुदे यार की तश्बीह है, ये तो एकदम कमान मालूम होती है। जी तीर को कमान से निकले देर हो चुकी है। आइए राय साहब मुकाबला शुरू किया जाए, मेरी ना उंझन बढ़ रही है। ठीक है नवाब साहब, शुरू करते हैं, जितना जल्दी निपटा दिया जाए बेहतर होगा। शबन मियां, आप और मिश्रा जी अंदर कब्र में चलिए, तब तक हम इस काम से फारिग होके आते हैं। और हाँ, कफन का इंतजाम कर दीजिए, अब किसी एक न एक के तो काम आ ही जाएगा। क्यों, गलत कह रहा हूँ राय साहब? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आधा वर्ष मियां, आधा वर्ष। शबन मियां, जरा एक ख्याल रखिएगा, हमने जिंदगी भर चिकन और मलमल पहना है, हम मरते वक्त ये लट्ठे वगैरह का कफन जरा जिस्म में कड़ेगा तो ध्यान रखिएगा। नवाब साहब होश की बातें कीजिए, मलमल का कफन पहनेंगे, मैयत की बर्कर्दगी करवानी है क्या? मरते वक्त भी अपनी हंसी उड़ाएंगे। माफ कीजिएगा राय साहब, ये जोशे इंतकाम में अक्ल मारी गई। आइए तो मुकाबला शुरू किया जाए। आइए जनाब शुरू करते हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं तो बचाव के कामिल हूँ। राय साहब आप उम्र में हमसे पूरे 5 रोज बड़े हैं, इसीलिए हमारे बुजुर्ग हैं, तो पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब बड़े होने के नाते तो हमें छोटों पे कभी पहल नहीं करनी चाहिए, आप ये सब छोड़िए, आप वार कीजिए। जी नहीं राय साहब, पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब तकल्लुफ छोड़िए और वार कीजिए। हरगिज नहीं राय साहब, पहले आप वार कीजिए। जी नहीं नवाब साहब, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप नवाब साहब, पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब आपको हमारे सरे अजीज की कसम, पहले आप वार कीजिए। राय साहब ये सरे अजीज की कसम क्या दे दी, हमें मजबूरी में वार करना पड़ेगा, तो आइए बचिएगा हमारी दुआर से। सभी लखनऊ वाले ऐसे हैं तो हो लिया फसाद। आदाब, ये लीजिएगा बच्चे हमारे नए पैसे से। माशाल्लाह, कहना पड़ेगा इतनी खूबसूरती से आपने नोक चुभाई है, बदकतई हल्का हाथ है आपका। राय साहब शर्मिंदा ना कीजिए, अब तकल्लुफ छोड़िए और दोबारा वार कीजिए। जी नहीं राय साहब, अब आपकी बारी है, आप वार कीजिए। जी नहीं, आज जरा कुछ ठीक महसूस नहीं होता, एक काम करते हैं नवाब साहब, बाकी का मुकाबला कल के लिए कर लेते हैं। अच्छा राय साहब, हमें तो सरे अजीज की कसम दिला दी और वार करा दिया, हम अपनी बारी में किनाई काट रहे हैं। भाई नवाब कब्बन मियां आपकी इन बातों में आने वाले नहीं है। नवाब साहब कल मैं भी जरूर ब जरूर आपको चाकू की नोक चुभाऊंगा, लेकिन हाँ तब तक रहने देते,
आज तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही। जरा खास्ता कुछ नासाज तो नहीं? नहीं नहीं सब ठीक है, बस जरा भारी भंसा महसूस कर रहा हूँ। एक काम करते आज रहने देते हैं, आइए तो आराम कीजिए। तो खुदा ना खास्ता दुश्मनों को हरारत हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंदर मिश्रा जी और राय साहब शब्बन मियाँ की बाजी चल रही है, आइए चलते हैं। आइए चला जाए। पर वो महाशी जी और रामदीन साहब कहाँ चले गए? अरे वो देखिए वो जा रहे हैं दोनों, लगता है अभी भी पता नहीं कि विराग पे हैं। अरे रामदीन साहब रसोई खाने जरूर चले जाइए ना, संक्राम को आपका इंतजार होगा। और खास साहब आप भी जरा जल्दी आइएगा। आदाब आदाब, आइए 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 चला जाए। लाना तो लखनऊ शहर पर और लाना तो उन पे जो ऐसे शहर में फसाद कराने आए। Thank you.